अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का पीबीए पेपर के लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आपने बायो के पीबीए पेपर्स के लिए किस तरह आप तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें और किस तरह करें, वो भी आपको बताते हैं। इन क्वेश्चन को आप पहले देखते जाएँ, आप इनके पहले स्क्रीन शॉट्स ले लें। यहाँ से क्वेश्चन विद आंसर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तकरीबन 13 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इस तरह के इनमें से आप और चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आपको हर हाल में तैयार करना है। अब नीचे चलें, इसको देखें, ये आपको रूट सिस्टम नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है ना, ये प्लांट सिस्टम है। प्लांट में जो इम्पोर्टेंट ये पार्ट्स हैं, आपको इनके नाम आने चाहिए। ये जहाँ लाइन लगी हुई है और साथ उसका नाम लिखा हुआ है, तो आपको वो नेम्स आने चाहिए कि इन पार्ट्स के क्या क्या नेम्स हैं, ठीक है, बायोलॉजी में। तो कोशिश करें कि जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके नाम आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। फॉलिम हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उनको रूट हेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से करें। उसके बाद ये सनफ्लावर के लिए जो है डायग्राम और उसके पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर देखें टिश्यूज़, तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ये ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनका, और उन टिश्यूज़ के फीचर्स, ठीक है। एक एक लाइन यानी कि उनका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि वो फलां जो टिश्यू है वो किस पर्पस के लिए, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस है। और इनके डायग्राम से पहचानना कि इस फलां टिश्यू का नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप तैयार कर लें, ठीक है, ख़ासतौर पर जो मेन है। तो इधर मेन फीचर्स लिखे हुए हैं, मेन टाइप्स लिखे हुए हैं, तो इस तरह इनके नाम और इधर से उनकी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डायग्राम से, ठीक है, कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स भी है और इनके यूजेस क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शन क्या है, ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। इनका इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की डेफिनेशन, वाइट ब्लड सेल्स की डेफिनेशन, ठीक है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन आपको पता हों, सेल की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में मसल टिश्यूज़, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल, ये देखें इनके डायग्राम्स, तो इनसे आपको इनके नाम्स नाम लिखना आने चाहिए इनके डायग्राम से, ठीक है। और इधर इनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन भी आने चाहिए। कार्डियक मसल्स वगैरह, नर्वस टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टिश्यूज में से भी बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आना है तो वो डायग्राम देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर लाइन लगा देंगे कि फलां फलां पार्ट्स के आप नाम लिखें, फिर उनका फंक्शंस बताएं कि किसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन और सिंपल सा फंक्शन आना चाहिए। तो मेन चीज़ें जो है, मेन फीचर्स इधर एक साइड पर लिखे हुए हैं। हिस्टोमेटा आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। सपोर्टिंग टिश्यूज, इसकी डायग्राम याद रखें, ठीक है, और ये मेन फीचर्स भी इधर नज़र आ रहे हैं, मेन फीचर्स, तो ये वाले पॉइंट्स। उसके बाद ये जाइलम एंड फोलियम, जाइलम एंड फोलियम टिश्यूज़ का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
और इधर से आप इनको आइडेंटिफाई करें कि वो होते कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास जी, तो इसको देखें, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। ये स्टूडेंट्स, ये वाले जो हैं, ये डायग्राम और इसमें जो फंक्शंस बताए हुए हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप ज़रूर करें। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं जो आपसे शेयर कर दी हैं, इनको आप तैयार करें। और पीबीए पेपर, मज़ीद हमने तकरीबन 2 पीबीए पेपर्स अपलोड किए हुए हैं उन सोल्यूशन के साथ, उनको भी देखें। और हम नया पीबीए पेपर भी, कोई सैम्पल पेपर हम अपलोड करते हैं विद सोल्यूशन। तो तब तक आप इन मेन मेन टॉपिक्स की ज़रूर तैयारी कर लें, डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम, खासतौर पर मेन मेन पार्ट्स, सबके भले ना हो सकें लेकिन मेन मेन पार्ट्स के, जिनका यहाँ साइड पे टेबल में बताया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, थोड़ा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, आप उनको ज़रूर कर लें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह, ये चीज़ें भी ज़रूर करनी है आपने।